नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल एक बार ये बताएं आवाज़ आ रही है या नहीं। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक बार ये बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आनंद चौहान राम राम जी, विकास प्रजापति राम राम जी, प्रतीक गरीवाल नमस्कार सब जी, विकास जांगरा जी, मास्टर जी ये का भी आए, ये मास्टर जी के भी आज राम राम जी जी के विद बीके से राम राम जी, राम राम, राम राम मास्टर जी। सभी साथियों को राम राम नमस्कार। प्यारे साथियों, आज सुबह वाला पेपर देखा है, उसमें बिल्कुल भी बच्चों के साथ एक खिलवाड़ा किया गया है और जो बहुत ही गलत हुआ है। क्या करवा दिया गुरु जी, ये तो बहुत ही अत्याचार हुआ है। मैं उसी लिए लाइव आया हूँ। और कोई साथी ये कह रहे थे कि हरियाणा जी के नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अब मैंने देखा है पेपर और उसमें एक ही पर्सन वैसे हरियाणा जी के का दिया है, वो भी कदे नुकर्ण ने, वो भी नेशनल जी के हिसाब से दिया होगा, ईसा वो कृषि विज्ञान केंद्र वाला। तो ये बहुत ही गलत हुआ है बच्चों के साथ। जो हरियाणा पुलिस का आज पेपर देने उम्मीदें थी, 2019 से भर्ती चली हुई थी और उसके बाद बच्चों को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि अपने जो है अच्छी तरह के पेपर करेंगे। और इस पेपर से तो ये नहीं लग रहा कि ये सरकार केवल हरियाणा वाले लोगों को नौकरी देना चाहती है, क्योंकि हरियाणा वालों को नौकरी तभी मिलती जब इसमें 25% हरियाणा जी के होती। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर वाला बच्चा भी पेपर देगा तो उसको भी कोई दिक्कत इस पेपर के हिसाब से होने वाली नहीं है। और ये भर्ती जो है बिल्कुल ही बहुत बुरा कर रहे हरियाणा, हरियाणा के जो बच्चे बेरोजगार बच्चे हैं, ये सरकार उनके साथ ये बिल्कुल गंदी हरकत कर रही है। और ये घोर कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं। सरकार ने अपनी आंख मीच ली है, बिल्कुल बिल्कुल कबूतर की तरह आंख मीच कर ये कर रही है सरकार। क्योंकि देखो, हम सरकार की ही बात को उठा लेते हैं शुरू में। 2016 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, उसमें 25% हरियाणा जी के थी। क्या वो पुलिस में नहीं लगे बच्चे, क्या वो हरियाणा के नहीं थे, ये बात मुझे सरकार बताए या बच्चों को बताए। 2018 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, उसमें 25% हरियाणा जी के थी। क्या वो बच्चे हरियाणा पुलिस में नहीं लगे, क्या उन्होंने फिजिकल नहीं कराया, क्या उन्होंने हरियाणा की सेवा नहीं करी। फिर 2021 वाला आते आते ऐसा क्या हो गया सरकार के कि वह यही नहीं चाहती कि हरियाणा का बच्चा रोजगार ले, वो ये नहीं चाहते हरियाणा का बच्चे को रोजगार मिले। हरियाणा के बालक ने नौकरी कद मिलेगी जी, उसने कि मैं हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। तो जो साथी वीडियो में देखने लाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, डंका बजा देंगे कति भाई। क्या 2021 वाले जो बालक आए हैं ये हरियाणा जी के पढ़ना नहीं जानते। इसमें तो बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, यूपी का होगा, सब खातर बराबर टेस्ट बना दिया। तो फिर ये क्यों कहते हैं हम हरियाणा में 70% केवल हरियाणा वाले को देंगे, या क्या देंगे हरियाणा वाले को, क्या देंगे या? आप डर गए, आप पेपर बनाते समय डर गए, आपके अंदर माफिया घुस गए हैं। आपका एक बार पेपर आउट हो गया, आपका पता लग गया तो आप पेपर बनाना भूल गए। आपने नुए नहीं मेरा पेपर बनाना क्या है, मतलब आपने ये पेपर बनाना ही भूल गए एक बार पेपर आउट हो गया तो। अरे सख्ताई करो, 6 पेपर बना दिए एक शिफ्ट में, ओपन ओपन के पेपर हो, दिल्ली ओपन का पेपर है ये, ओपन के पेपरों की तरह पेपर छाप कर घेर दिए। और कहते हैं हरियाणा वाले को रोजगार मिलेगा, टट्टू मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार, कैसे मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार अब पता नहीं। एक चेयरमैन एक भर्ती पूरी नहीं कर पाए, नया चेयरमैन आया था बताए इन्हें पेपर कैंसिल हो गया, तुम्हें ना मेरा देना के है। तो HSSC को HSSC ने देखो, ये बच्चा पेपर की तैयारी कैसे करेगा, पिछले पेपर देगा हरियाणा पुलिस वाले देखेगा वो। 2016 में HSSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती थे, उन्होंने पेपर लिया, क्या उन्होंने 5000 बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं करी। 2018 की भर्ती उनके कार्यकाल में हुई, उन्होंने पेपर लिया, क्या उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई, क्या उन्होंने हरियाणा जी के नहीं दी।
एक हरियाणा जीके ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बच्चे ये कह सकते थे कि हाँ ये तो पेपर में आएगा, क्या वो भर्ती पूरी नहीं हुई? आज छाप को घेर दिया पेपर, 350 से 300 किलोमीटर तक बालक जावे हैं, उड़ जान दे पेपर में पावनी धांस। जमींदारा के गरीब बालक हैं ये, इसी इतने होशियार होते तो यार तारे पुलिस की बात देख कहीं यूपीएससी में भी लाग जाए, वो 11-15 लाख गया हरियाणा के, वो ठीक रहे पहले तैयारी करके ना, तो हम तो मार करोगे यार बेरोजगारा ने। और इस पेपर की तो बच्चे इतनी बाट देख रहे थे कि बहुत गणी, इस सरकार ने नाश कर दिया भाई। इब तो ही दोनों ताले पेपर ले लेगी, 2019 की भर्ती थी, इसमें दो पीसियां का पेपर नहीं बना रखे हो, बोला नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कर ले नॉर्मलाइजेशन, क्या मैं कर लोगे नॉर्मलाइजेशन, गोले ना भरे जाए बालका के तो क्या का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा? अरे नू तो बताओ, कोई बुद्धिजीवी नू तो बता दो, हरियाणा वाला के फायदा है इस पेपर में? हरियाणा वाले का फायदा जी बोता हो, हरियाणा के पर्सन आते अदर स्टेट वाले पाड़ेंगे टेस्ट ने, अदर स्टेट वाले का फायदा हो जाएगा इसमें तो। हमारे बच्चों को रोजगार क्यों मिलता था? क्योंकि हरियाणा जी के होती थी, इनू को देंगे सरकार ने कर्मचारी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नू तो, लेकिन वो बाहर के इलाके में। इस पेपर के हिसाब से 50% बच्चे बाहर के ही लगने वाले हैं, SSSC वर्ग का पेपर था यो। इसने राजस्थान सरकार अपना पेपर ले, राजस्थान जी के देवे है, उत्तर प्रदेश सरकार अपना पेपर लेती है, उत्तर प्रदेश जी के देती है उत्तर प्रदेश की, तो हरियाणा सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज के पेपर में बौखलाई हुई सरकार ने ये सोच लिया बौखला के, अगर हरियाणा जी के ही नहीं दी, बौखला की सरकार, पेपर बनाते समय फड़फड़ाने लगी सरकार, क्यों फड़फड़ा रही है सरकार? आठ आठ पेपर दे रही है, क्यों फड़फड़ा रही है सरकार? ये जो बच्चे रात दिन, अरे 3-3 बजे तक जागे हैं बालक, अरे पेपर में धांस नहीं, मतलब क्या है ये? आवाज नहीं उठाओगे तो सरकार जी सा लेने लाग रही बालका का, सरकार वो बातें नहीं करते हो, इतने बड़े हो गए हो, इनका तो अहंकार आ गया भाई। और अहंकार तो किसी का भी नहीं चल, इनका पूरा अहंकार है इस टाइम पर, बहुत गलत हो रहा है प्रदेशवासियों के लिए, युवाओं के लिए, खासकर उनकी काली दिवाली मनवा दी सरकार ने, जिन्होंने 1.5-2 साल से इस भर्ती के लिए इंतजार करा था, बिल्कुल काली दिवाली मनवा दी सरकार ने उन युवाओं की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मान ले आज की शिफ्ट में 1 लाख बच्चा ने पेपर दिया होगा, तो 1 लाख में का एक बालक भी ये कह दे, एक बच्चा भी ये कह दे कि हाँ पेपर सही था, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये बता दो चेयरमैन साहब, हमें इस बात का जवाब दे, बच्चों को 2016 की भर्ती हो या हरियाणा पुलिस की, 5,000 की सेम भर्ती थी, क्या उसमें हरियाणा जी के नहीं दी आपने? दी थी, पुलिस में बच्चे सेवा कर रहे हैं। 2018 में भर्ती हुई, उसमें बच्चे सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 2018 में हरियाणा जी के आई, सारी बातों को छोड़ो, सारी बातों को गोली मारो, आपका जो भर्ती में जो पिछला पेपर आउट होया कैंसिल होया उसमें भी तो हरियाणा जी के थी, या क्या रातों रात नौबत आ गई का आपने अब की बार हरियाणा जी के नहीं दी तो पेपर लीक नहीं हो? हरियाणा जी के की वजह से पेपर लीक हुआ था क्या पिछली बार? ये जवाब दे दो मुझे बस, हरियाणा जी के देने से पेपर लीक हुआ था क्या? मुझे तो इस बात का जवाब दे सरकार, मुझे तो क्यों दे, बच्चों को दे। मैं तो इसलिए बच्चों दर्द होता है इस बात का, ये बालक मारे भैया मेरे द्वारा फोन करे गुरु जी हरियाणा जी के ना ही, भाई मैं तो पढ़ा हुआ था सरकार का हिसाब से, हम तो तैयारी पेपर का हिसाब से करावा थे, पिछले पेपर 2016 में भी आ रही थी भाई हरियाणा जी के, वो भी मार पर पढ़ कला के, 2018 में भी हरियाणा जी के आ रही थी वो भी मार पर पढ़ कला के, हम के करा भाई। तो प्यारे साथियों, जब तक आवाज नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब आई हरेंद, एक बार देखो यार आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल वीडियो को ही रोक दिया, और बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ। एक बार देखो आवाज आई क्या दोबारा से, एक बार देखियो भाई आवाज आ हो क्यों, रिपोर्ट लिखियो, आवाज आंदी हो तो क्यों रिपोर्ट लिखो साथियों, वहीं रुकगी शायद वीडियो। एक बार देखियो भाई आवाज आ हो के वीडियो रोक दी थी ये, बता मुझे इसका बहुत तगड़ा हो है इनका तो, कड़ा रास्ता है ना भाई, देखियो एक बार आओ आओ है क्या आवाज, एक बताइयो भाई
मेरे एक बार कमेंट करके ये बताओ आवाज आ रही है क्या? पहले साथियों एक बार बताएं आवाज आ रही है क्या? एक बार बताना भाई आवाज। ओके रिपोर्ट लिखो, कमेंट नहीं आ रहे। हेलो, पहले साथियों एक बार बताना मुझे कुछ भी कमेंट कल वाला पेपर में क्या करें। अरे करने का तो हमें नहीं पता, अब क्या करे बच्चा? बच्चा तो बिल्कुल टूट टूट चुका है अंदर से। बच्चे के साथ ये खिलवाड़ सरकार कर रही है, बहुत बहुत ही बद्दा मचा के सरकार कर रही है। लाखों 2019 से 2021 का आ गया इस भर्ती को, और 21 में आके क्या चमत्कार दिखाया है, ऐसा चमत्कार कर दिया पहले साथियों, मतलब बहुत बुरा हुआ बच्चों के साथ। और ये एक बिना सहन करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी सहन नहीं होगी ये बात। तो जो साथी इस वीडियो को बाद में भी देखा तो शेयर करो साथियों, आंदोलन करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि 5000 वैकेंसियों की बात है, वैकेंसी तो ये हर भर्ती में ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। फिर नाटे जाओ भाई, नुगो दो भाई, हम तो हुए लावांगे बिना टेस्ट पेस्ट। या बात कह दो बालक कम से कम अपना प्राइवेट धंधा पकड़ ले। ये क्या मतलब बना रखा है कि बस हाँ चलो चलो। एक बार साथी, जो साथी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपका एक भी कमेंट नजर नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट करके कम से कम ये बता दो कि वीडियो आप तक पहुंच रही है, आवाज आ रही है या नहीं। तो बहुत गलत हुआ आज मैं बच्चों के साथ में पहले साथियों, और ये एक बहुत ही गलत तरीका है सरकार का बच्चों को दबाने का। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे, उनको उनको न्याय नहीं मिला, अन्याय किया उनके साथ, बहुत बुरा हुआ है। तो पहले साथियों एक बार आवाज सुन रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे भाई, बड़ा दुख होता है इस टाइम पे। मेरे द्वारे फोन आ गुरु जी हरियाणा जी के नाई, मैं केक रुकड़ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पर रोक सकता हूं बस, और उसमें आपकी ताकत ये है इस बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए आप वीडियो को शेयर ज्यादा करें। और पहले भी एसआई के लिए पंचकूला गए थे, उसमें भी बवंडरबाजी, और इसमें भी बवंडरबाजी यार, पता नहीं चल रहा यार क्या कर रही है सरकार, बहुत बुरा कर रही है बच्चों के साथ। ऊ तो इतना दिखावा करेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, टट्टू कर दिया यार, क्या कर दिया यार, मतलब दिमाग खराब कर दिया। एक बात कर दी, दिमाग खराब जरूर कर दिया। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे घर जाके क्या कहेंगे? माता पिता जब पेपर देने जाता है तो पैसे किराए के मांग के लाता है, बच्चे को किराए के पैसे देता है, और घर ना आता है जब उम्मीद होती है माता पिता को कि हाँ बेटा कैसा हुआ पेपर, और बेटे का मुंह लटका देखकर माता पिता भोजन नहीं करते उस टाइम पर, माँ बाप खाना नहीं खाते जब बच्चा निराश होता है तो। और ये बात क्या जाने, ये क्या जाने बच्चे की नाराजगी, बच्चे की नाराजगी तो बच्चे वाले जाने। तो बड़ा बुरा लगा, और ये इस तरह से तानाशाही कर रही है बच्चों के साथ यार। अख लो लगना है तो ये पेपर लो, हम ये देंगे, क्यों देंगे तुम? 2016 में क्यों नहीं दिया, 2018 में क्यों नहीं दिया, आरियो थारा कैंसल हाउस में क्यों दिया यहां जी के? हर सब्जेक्ट का मजाक बना दिया यार। अरे मास्टर है भगवान थोड़ी है, मास्टर भी कोनी भाई हैं बड्डे, क्या गए मास्टर हम भाई हैं बड्डे, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो बता दिया, आना था हमने काम के अवतार हाँ। लेकिन ये इस तरह की भद्दी सरकार ने भद्दा मजाक कराया है बच्चों के साथ, और हम तो इसकी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं भाई, सीधी बात यह। तो बच्चों के साथ गलत है, हमारे साथ गलत है, सीधी बात यह। तो प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा इसका विरोध करो ना, तो यार सरकार नु मान लो बहुत अत्याचार हो रहा है बालका के साथ। हरियाणा वाले बालक तो नौकरी की उम्मीदें छोड़ दियो, फिर हरियाणा ने नौकरी मिले कुकर की था, हरियाणा जी के दम पर नौकरी ले लिया कर दे कि मैं पढ़ लिया कर दे और सब्जेक्ट। इब हरियाणा जी के मैं बालक बार का बालक है, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे केवल हरियाणा जी के में ही कटते थे आपसे, वो आपको नहीं और तो काट ही नहीं पाएंगे आपको। अब यूपी में जाकर हम टेस्ट पार्ट दो ना, यूपी में, यूपी की जीके आओ, उत्तर प्रदेश की जीके आओ, यूपी में राजस्थान के भर्ती लिखड़े उड़े था, हम आपा हरियाणा वाले कुकर टेस्ट पार्ट दे, राजस्थान जी क्या उड़ेगी? तो हरियाणा वाले अपन नू पार्ट दिया करते, अपनी हरियाणा जी क्या थी? पता नहीं परी सरकार ने क्यों डर गई है, पता ये बोखड़ा गई है सरकार, सीधी बात है बोखड़ा गई, पेपर लेने का नाम पे बोखड़ा गई। रोडवेज का, रोडवेज के जो बस स्टैंड है उन पे इतनी ज्यादा भीड़ होने लग रही है, 700 700 500 500 रुपया में रिजर्वेशन चल रही है, जनू गोद की बस जा है
ब्याह में ले जाओ बिठा बिठा के, के तो इन बड़का ने फ्री करो, पहले तो फार्मा के रुपये, फिर कोचिंग सेंटर की फीस, फिर आन जान का रोज का भाड़ा, फिर मतलब ब्याह के साये चाल्या कर रहे, न्यू बुकिंग करण लाग रहे हैं, अरे लूटन ला रहे बड़का ने, कम से कम इनका भाड़ा तो फ्री कर दो, और तो थम दारू दूरू ये फ्री कर दो, बड़का बालक पेपर देने जा पंचकूला की ब्लैक रिजर्वेशन करा ले, जहाज बना दी और ऊपर तक पेपर में मोर बना दिया, पहले तो जहाज बनाई भाड़े मेरे, फिर मोर बना दिया, ओहो हो क्या अत्याचार हो रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है। आपा तो भाई सरकार बढ़िया काम करे तो हुआ, बढ़िया आड़ी कमा हाँ, और यो गति घटिया है, इसका घटिया कर्म कोई करे नहीं सकता, यो जमा इसकी निंदा करा भाई। तो जो साथी वीडियो ने बाद में भी देख कर शेयर कर दियो भाईयो, आप लोगों का सहयोग है, सोशल मीडिया आज के दिन इतनी ज्यादा हैवी हो जाए है, सोशल मीडिया ही बच्चों को न्याय दिला सकती है, ना तो अखबार वाला ना मीडिया वाला ना सरकार लवद हो रहा फटकने को दे। तो आप अपनी अपनी आईडी से इनको शेयर करना, और आप भी वीडियो बनाना बच्चों के समर्थन में, ताकि ये बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय ना हो, और आने वाला समय मैं तो ये कहूंगा दिवाली, क्या दिवाली मनवा दिया रे, क्या दिवाली है यार, बच्चे सुबह 3 बजे जावे है, 2 बजे बस में बैठ कर जावे, निंदा में पहुंचे उड़े मुश्किल था सेंटर पर जा, भूखे प्यासे जावे, भाड़े के रुपये उधारे लेकर जावे, कोचिंग सेंटर आगे फीस भरे, और भी कापी किताबा के खर्चे, और घर के उम्मीद में ये बैठे हैं कि हाँ अब की बार तो बेटा नौकरी लग जाएगा, बेटा तो भाई नौकरी मुश्किल लगेगा, बेटा तो या सरकार बेटन तो लागने कौन दे, यो मतलब लोग दिखावा क्यों, फिर पेपर के बेस पर नौकरी देवा क्यों है, यो लोग दिखा क्यों है यो, अरे जी पिछला पैटर्न कम से कम फॉलो करो आप, ताकि बच्चे को उम्मीद हो जाए हाँ हाँ हमारा साथ भाई, फिर वो कर्म अपने के आसान पेपर में आसान आड़े लागेंगे, मुश्किल आड़े मुश्किल आड़े लागू, लेकिन ये क्या है कि आपने जो स्टेट का नाम पर खिलवाड़ क्यों, सबसे बड़ी भर्ती है हरियाणा पुलिस की, सबसे बड़ी भर्ती में ये धोखा क्यों, सबसे बड़ी भर्ती है 5,000 बालका की, कम से कम ये तो हरियाणा प्रदेश के लगे, और ये हरियाणा प्रदेश के जब ही लग सकते थे जब हरियाणा तक में पूछा जा, लेकिन हरियाणा तक प्रदेश तक बाहर का मतलब यो है 50% बालक अदर स्टेट लगेंगे, बहुत गलत है साथियों। अब मैं 800 जने लाइव देखने ला रहे हैं भाई, मैंने लाइव का शौक को नहीं, जितने देखने लाग रहे हो एक एक शेयर करोगे तो वीडियो घनी शेयर हो जाएगी, हाथ जोड़कर आप लोगों से, सरकार से नहीं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, यदि कोई शब्द गुस्से में आप शब्द कह दिया हो तो आप लोगों से माफी मांग सकता हूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, इतने साथी देखने लाग रहे हो, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाईयो, ताकि बालका का बालका ने न्याय मिल सके। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। लाइव का पाना कोई को नहीं था भाई, लेकिन जब भी दुख होता है तो बोलता जरूर हूं, चाहे फिर खामियाजा कुछ भी हो जाओ, तो मैं आप लोगों से ही माफी मांगता हूं, कोई आप ऐसी कोई कड़वी बात वैसे तो मैंने कही नहीं है, फिर भी केवल आपसे, सरकार से नहीं, आप लोगों से माफी मांगता हूं, क्योंकि बच्चों मैं जगता हूं, कई बार आपने मेरी वीडियो देखी होंगी रात में 3 बजे लाइव, मैं हम केवल मेहनत से प्यारे साथियों, मेहनत से बच्चों को साथ मेहनत करते हैं, दिल से जुड़ते हैं बच्चों के साथ, और तभी लोग जो हमारे भाई बहन है इतना प्यार देते हैं कि वो 6-6, 7-7 रात ने 12 बजे भी 5-5 हजार लाइव यूट्यूब पर देखे हैं एच आर जी के भाई बी के चैनल ने, लेकिन यह सरकार ऐसा मजाक करेगी ने, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक करे सरकार ने भाई, और इसकी तो जितनी निंदा करी जाए उसकी बहुत कम है मेरे भाईयो। मैं तो एक हाथ जोड़ कर आप लोगों से निवेदन करूंगा भाई, सरकार की बुद्धि ठिकाना लियाओ, ना तो इसका कर दो काम ने भाई, योदो सोदाय की मैं नहीं भाई समझ में, मतलब बालक इतनी उम्मीद लेकर बैठे है यार, इतना खर्चा हमने पता है क्या खर्चा नहीं होता पढ़ाई, आज के दिन एजुकेशन ही सबसे महंगी है, और ऊपर तया सरकार भाषण लाग रही है पेपर लेने का ही नहीं बेरा इसने, 2016-18 में भी था हमने लिए थे, जीव के था रहा कि मैं आफत आई थी उससे हिसाब तो ले लेते, लगने वाला लगता किस्मत वाला, लेकिन यो अन्याय क्यों, 2021 वाले बालक के साथ अन्याय क्यों, पहले कोरोना न मारे भी सरकार न मारे, पेपर दे कर मारे, भाड़ा लेकर मारे, कहां कहां बचेगा बच्चा, 2 साल तो इंतजार करा भर्ती का, 2019 आज नवंबर आ जाएगा तड़का, नवंबर 2019 आ जाएगा, 2021 आ जाएगा नवंबर 2021, 2 साल इंतजार करके बाद मिला क्या, क्या मिला, अरे कुछ नहीं मिला, एक किस्मत फूटी बस, मतलब यार बहुत बुरा है बच्चों के साथ,
प्यारे भाइयों, बहुत बुरा हुआ है इसकी जितनी निंदा। एक और आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आपस में कि मैं अब शब्द ना लिखा करो, बहन बेटी सबकी बराबर हो है। हाँ, क्योंकि आप फेसबुक पर गाड़ देना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इनको मतलब जो इनका विरोध करना हमने है, आपा नहीं गाड़ी आपा ही पड़ा। हाँ, ये तो पढ़ दे को नहीं तो अंधे हो रहे हैं, अपनी गाड़ी आपा ने क्यों पढ़नी पड़े। तो प्यारे साथियों, जो भी साथी इस वीडियो ने देखने लाग रहा है भाई, मेरा तो एक ही निवेदन है, बच्चों के साथ ही अन्याय हुआ इसमें, आप लोग साथ दियो भाई सबके। बाहर देखो ना तो कैप्टन राजनाथ सिंह का छोरा पुलिस की तैयारी करदा, ना गृह मंत्री अमित शाह का छोरा तैयारी करदा, ना अनिल विज का छोरा तैयारी करदा हरियाणा पुलिस की, ना और किसी मंत्री का छोरा हरियाणा पुलिस की तैयारी करदा। हरियाणा पुलिस की तैयारी करे है तो आप जैसे गरीब बहन भाइया के, हमारे भाई हमारी बहन तैयारी करे हैं, किसाना के बालक तैयारी करे हैं, तो ये हमारे साथ ही अन्याय है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पेपर देखते ही नहीं, पेपर में आया क्या है, पेपर में क्या नहीं आया है, उनको तो वैसे कुछ भी तो इसके बारे में नहीं पता है। प्यारे साथियों, तो मेरा निवेदन यह है कि इनको बच्चा कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें पता है बच्चा स्ट्रेस ले जाता है और उसका मानसिक संतुलन, एक माँ का लाल परेशान हो जाता है। इतनी मेहनत से माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को समझाना पड़ता है और उसमें हमने ही समझाना पड़ेगा, हमारे बच्चे को कोई समझाने नहीं आएगा। मुझे पता है किताबें जब टेस्ट में लिस्ट में नाम नहीं आता, बच्चे आंखों खून के आंसू रोते हैं भाई, खून के आंसू आंखों में पानी आ जाए। वो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं भाइयों, वो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं भाई, आंखों में का पानी आ जाए। साथियों, ये जो ये खिलवाड़ है ना, ये एक तैयारी करने या बालक दर्द बता सके, इसका दर्द क्यों, एक नंबर पॉइंट 80 का रोड़ा हो है, हराड़ा 25-25 नंबर का एक सब्जेक्ट को इतना। यो फोन आ गया था भाई किसी का बीच में। तो प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब यो है, मैं ज्यादा लंबी 1000 से ज्यादा साथी जोड़ रहे हैं भाइयों, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं इब ज्यादा एक के बात कहूंगा, आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाइयों, और इसका विरोध करो, बच्चा ने अपने भाई हैं उन्हें समझाइयो भाई, इसका जट का मुकाबला करांगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, राम राम। सारे ने नए साथी जुड़ दे रहे होंगे भाई, लेकिन एक बार इस वीडियो ने आखिरी में जो भी देखा वो भी शेयर कर दियो, राम राम। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। बड़ा दुख हो रहा है भाई, आप इस बात की घटी निंदा करा है बच्चा के साथियों, बड़ा बुरा हुआ है। जय हिंद साथियों, 1000 साथी देखने ला रहे, फिर भी जय हिंद भाई, मैं बोल नहीं सकता, नुकोने लाइव का चक्कर। आज के लिए इतना है, ठीक है साथ।